हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स ब्लॉग। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल, आज हम इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। कॉम्बिनेशन जो होता है इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज का, दैट मीन्स ये हमारा नेगेटिव चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसके बीच का डिस्टेंस अगर हम 2a ले लें तो इसके बीच में ये इसका जो, इसको कहते हैं मिडिल पॉइंट ऑफ डायपोल कहते हैं, या फिर इसको कह सकते हैं सेंटर ऑफ डायपोल। क्या कह सकते हैं? सेंटर ऑफ डायपोल। आप कहते हैं इस तरह का कॉम्बिनेशन जो है, जो कि स्मॉल डिस्टेंस के बीच में दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज होंगे, उस सेपरेशन को हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहेंगे। आप यहाँ पर देखते होंगे नेट चार्ज क्या है डायपोल पे, 0 है, ठीक। तो चलिए अब हम एक और टर्म डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है द प्रोडक्ट ऑफ एनी चार्जेज एंड सेपरेशन, या फिर कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज। द प्रोडक्ट ऑफ एनी चार्जेज एंड सेपरेशन या डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम किससे लिखते हैं? पी से लिखते हैं। पी दो कोई चार्जेज को ले लीजिए, क्यू इनटू उसके बीच का सेपरेशन 2a, क्यू इनटू 2a, ये क्या होगा? इलेक्ट्रिक डायपोल। ये कौन सी क्वांटिटी है? फैक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन होगा, इसका डायरेक्शन जो होगा फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा, यानी कि ये डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। पी वेक्टर आप इसको कह सकते हैं। इसको किससे लिखते हैं? पी से लिखते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इसका यूनिट की बात कर लें तो यूनिट इसका क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? चार्ज का क्या होता है? कूलम्ब मीटर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रिक डायपोल का बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने जाना कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। आज हम इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे। देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल।
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल हम आज जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे एक्सियल पोजीशन पे क्या होता है। पहला पॉइंट आप लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल किस पे, एट एक्सियल पोजीशन पे। एक्सियल पोजीशन पे हम इलेक्ट्रिक डायपोल निकालना सीखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे। यहाँ पर देखिए ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसके बीच के डिस्टेंस को हमने एक्स टू ए ले लिया। यहाँ से हमने एक्स डिस्टेंस की दूरी पर सेंटर से कोई पॉइंट पी है जो कि एक्सियल पोजीशन पे है, उसके एक्सेस पे है, वहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक डायपोल निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इस चार्जेज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा और इस चार्जेज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आप इस पॉइंट को इधर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इधर लीजिएगा या इधर लीजिए, इधर लीजिएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस चार्जेज की वजह से अभी होगा पॉजिटिव चार्ज और इस चार्जेज की तरफ होगा यानी कि नेगेटिव चार्ज है तो टॉर्ड्स होगा। हम इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको ई प्लस लिख देते हैं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से है, इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज की वजह से ई माइनस लिख देते हैं। चलिए अब आप कहिएगा इधर लेंगे तो क्या होगा, इधर भी बात वही होगी, यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो इसकी वजह से इसकी तरफ इधर के डायरेक्शन में होगा, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इधर होगा ई माइनस और पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज ई प्लस होगा। अब इस दोनों की वैल्यू आप देख रहे हैं तो सेम होगा, तो किसी पॉइंट पर आप निकालिए। अब यहाँ से हम ई प्लस और ई माइनस की वैल्यू निकाल लेते हैं। ई प्लस की वैल्यू क्या होगा, के क्यू वो चार्ज जो है, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमको लेना होगा। अब देखिए ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का एक्स है और ये डिस्टेंस हमको यहाँ से यहाँ तक का इसको सेंटर मान लें तो ये हमारा क्या है, ए है, यानी कि पूरे डिस्टेंस में से ए को घटा देंगे तो हमको ये डिस्टेंस पता चल जाएगा, यानी कि इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस पता चल जाएगा। यानी कि हम क्या करेंगे, एक्स में से ए को घटा देंगे यानी कि ई प्लस हमको निकल गया, के क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। सिमिलरली आपका क्या कर सकते हैं, ई माइनस निकालिएगा तो के क्यू अपॉन, अब डिस्टेंस थोड़ा क्या हो जाएगा, ये पूरा एक्स है और इधर हम ए आगे बढ़े यानी कि एक्स प्लस ए हो जाएगा। अब आप देखिए इस जगह पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा ये होगा क्योंकि ये नज़दीक में है, पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट करेगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी क्योंकि ये इससे दूर है। इस तरह भी सोच सकते हैं या फिर ऐसे सोच सकते हैं कि ये मान लिया जाए x माइनस ए है, डिनोमिनेटर इसका क्या है, कम है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, इसका वैल्यू कम। अब यहाँ पर ई नेट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को जोड़ना पड़ेगा, ई प्लस प्लस ई माइनस ये करना पड़ेगा। लेकिन दोनों का नेचर डिफरेंट है, नेचर डिफरेंट दोनों मतलब एक दूसरे के अपोजिट है तो क्या होगा, डायरेक्शन चेंज है तो नेगेटिव होगा, यानी कि के क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर जब इसको ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह होगा। क्यों होगा, क्योंकि यह दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइन में, यानी कि के क्यू अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। अब आप क्या कीजिए, यहाँ से के क्यू को कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा 1 बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, यहाँ बचेगा माइनस में 1 बाय एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, ये हमारा बचेगा 1 बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर।
अब आप इसका क्या कीजिएगा कि एक क्यू को रहने दीजिए, इसका एलसीएम लीजिएगा तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, इसको ऊपर कीजिएगा तो होगा एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि क्यू अपॉन हम कह सकते हैं, इसके स्क्वायर को तोड़िएगा, इसके स्क्वायर को तोड़िएगा तो आप देखिएगा ये प्लस में ये एक्स स्क्वायर प्लस, इसको कुछ हम शॉर्ट में ले इसको कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए एक्स होगा इसका, माइनस इसका होगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टू ए एक्स हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में होता लेकिन माइनस की वजह से माइनस हो गया, दिस 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 एंड दिस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा फोर एक्स, फोर ए एक्स, इसके बदले हम फोर एक्स लिख देते हैं, फोर ए एक्स, आपने देखा कैसे आया। अब देखिए एक्स माइनस ए इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ये हमारा e का वैल्यू आया के क्यू, इस फोर एक्स कैसे लिखे आपने देख लिया। अब यहाँ पर देखिए के क्यू फोर ए एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया, यहाँ तक बात ठीक है। अब देखिए हम ऊपर मिटा देते हैं, अब आपने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट डिफाइन किया है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो डिफाइन किया है वो किया है पी इज इक्वल टू क्यू इंटू टू ए, यही इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आपने डिफाइन किया है पीछे। अब हम इसको इस रूप में लिखने की कोशिश करते हैं, ये हमारा इनेट आया है, यानी कि के क्यू को रहने देते हैं, इसको लिखते हैं q इंटू टू ए इंटू टू एक्स, फोर ए एक्स को हमने तोड़ा तो टू ए इंटू टू एक्स, अब नीचे में जो है उसको रहने दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बात हो गई। अब यहाँ पर देखिए ये जो है इसको लिख सकते हैं हम के q इंटू टू ए लिख सकते हैं p इंटू टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए अब आप जब इलेक्ट्रिक डायपोल डिफाइन कर रहे थे तो आपने बताया था, आपने जाना था कि दो चार्जेज के बीच का जो सेपरेशन होता है वो काफ़ी कम होता है, स्मॉल डिस्टेंस होता है, यानी कि x के कंपैरिजन में एक क्या है काफ़ी छोटा है, तो यानी कि x इज वेरी 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 ग्रेटर देन a कह सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नियरली इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ से हम कह सकते हैं E इज इक्वल टू टू आगे कर लीजिए, P को रहने दीजिए, X रहने दीजिए, इसको लिख सकते हैं X स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी कि X पर पावर 4, इससे एक X कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2KP अपॉन X क्यू, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी 2K फैक्टर पी अपॉन एक्स क्यू, ये होगा। अब देखिए अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये होगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन वही होगा, क्योंकि आपको ये पता है कि इस जगह इस पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिएगा तो इस जगह पर ई प्लस डोमिनेट करेगा, क्योंकि नज़दीक इसका वैल्यू ज़्यादा होगा इसका वैल्यू कम होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में ही होगा, यानी कि इसीलिए हम लिखते हैं लिखेंगे ई वेक्टर इक्वल टू टू के पी अपॉन एक्स क्यू, इधर भी आप निकालिएगा तो वही बातें होंगी। ठीक है, तो यानी कि ये हमको
एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता चल गया, वह होगा ई वेक्टर इक्वल टू 2kp अपॉन एक्स क्यू। अगर मैग्नीट्यूड की बात कीजिएगा तो 2kp बाय एक्स क्यू, ठीक है, ये हमें पता चल गया। इस रिजल्ट को आपको याद रखना होगा, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे इक्विटोरियल पोजीशन पे या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इलेक्ट्रिक डायपोल की वैल्यू क्या होगी। आप लोग इसको समझ गए कि कैसे हम लोग इसको निकालते हैं, ये आप लोगों को बोर्ड में पूछा जा सकता है। इसके रिजल्ट तो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं एक्सियल पोजीशन पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से 2kp बाय एक्स क्यू होता है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से एक्सियल पोजीशन पे देख लिया, इक्विटोरियल पोजीशन पे हम इसको देखेंगे। आप इक्विटोरियल पोजीशन भी कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दूसरा पॉइंट हम जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे क्या होगा, इसको हम लोग जानेंगे। मिटा दें इसको। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया माइनस क्यू प्लस क्यू, ये इसका सेंटर हो गया, इसके बीच का सेपरेशन 2a है। यहाँ से x डिस्टेंस की दूरी पर परपेंडिकुलरली हमें यहाँ पर कोई पॉइंट P है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब हम यहाँ इस डिस्टेंस को मिला दें, इस डिस्टेंस को मिला दें। आपको पता है, ठीक है, अब ये हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से ये 90 है तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये डिस्टेंस हमें पता चल गया। अब इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्जेस की वजह से निकालना पड़ेगा। इस निगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर की तरफ होगा, जिसको हमने ई माइनस लिखा, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसी लाइन के अलोंग होगा और वह होगा ई प्लस का। अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, आपने देखा। अब इस दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। ई प्लस आप निकालिएगा तो के क्यू अपॉन उसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ई माइनस की वैल्यू क्या होगी, के क्यू अपॉन सेम होगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों सेम है तो हम दोनों को लिख सकते हैं इलेक्ट, ठीक है, दोनों वैल्यू सेम है तो इसको क्या लिख सकते हैं, ई मान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब देखिए यहाँ पर ये दोनों की वैल्यू सेम है तो हमको इसको वेक्टोरियली ऐड करना पड़ेगा और इसका रिजल्टेंट जो होगा इस दोनों के बीच से जाएगा, क्योंकि यह दोनों क्या है, सेम है। ये थीटा तो ये थीटा
अब हम क्या करते हैं, इस दोनों का कंपोनेंट ले लेते हैं। इस वेक्टर का एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा परपेंडिकुलरली, जो कि होगा e प्लस साइन थीटा, और इसको यहाँ से मिटा दें, हमने e इसको माना है क्योंकि दोनों सेम है, तो ठीक है। तो यहाँ पर इसका कंपोनेंट e प्लस साइन थीटा, इसका e प्लस कॉस थीटा, हमने e प्लस को दो पार्ट में तोड़ दिया, e माइनस को भी आपने तोड़ दीजिए। ये थीटा है तो ये इसका क्या हो जाएगा, e माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और नीचे की तरफ हो जाएगा e माइनस साइन थीटा। अब आप देखिए e प्लस साइन थीटा एंड e माइनस साइन थीटा बोथ विल बी कैंसल्ड ड्यू टू अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट होने की वजह से वह दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ई नेट जो होगा वह होगा ई प्लस कॉस थीटा प्लस ई माइनस कॉस थीटा। अब आपको पता है ई प्लस कॉस थीटा और दोनों क्या है, ई ही है, यानी कि ई कॉस थीटा और ई कॉस थीटा दोनों सेम ही है। हम लिख सकते हैं टू ई कॉस थीटा, हमने ई माना है इसको, आपको पहले ही बता चुके हैं कि इस दोनों को हमने क्या माना है, ई माना है। तो यानी कि ई का वैल्यू हमको पता है के क्यू अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कॉस थीटा की वैल्यू हमें निकालना होगा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगा ये देख लेते हैं, टू के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस थीटा यहाँ से निकालिएगा तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, बेस हमारा ए हो जाएगा और हाइपोटेन्यूस तो हमको पता है ए अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू टू के क्यू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर थ्री बाई टू हो जाएगा, इसका पावर वन इसका हाफ, वन प्लस हाफ कितना हो जाएगा, थ्री बाई टू हो जाएगा। अब हम ऊपर मिटा देते हैं। अब उसी तरह से जो पिछले में हमने किया था p के टर्म में इसको ले जाने की कोशिश करेंगे। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाल रहे हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे हम लोग निकाल रहे हैं, तो इस p पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चलिए यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, e जो हो जाएगा यह होगा, इसको लिख सकते हैं k इंटू क्यू इंटू टू ए लिख सकते हैं, इस टू को मैंने ए के साथ कर दिया। अब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर थ्री बाय टू, ठीक है। यहाँ से देखिए हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू के पी अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर थ्री बाय टू। पी क्यों लिखा, तो आपको पता है कि डायपोल मोमेंट जो डिफाइन है वह चार्ज इंटू उसके बीच का सेपरेशन, यानी कि इसका डायपोल मोमेंट होगा के इंटू पी इक्वल टू क्यू इंटू टू ए, हमने क्यू इंटू टू ए को पी लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब आपको एक इमेजिनेशन करना है, जो कि आपको पता है कि डायपोल मोमेंट जो होते हैं काफ़ी कम डिस्टेंसेस पे दो चार्ज सेपरेट होते हैं, यानी कि एक्स जो है काफ़ी बड़ा है ए से, यानी कि हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नियरली इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तब आप ऐसा कीजिएगा तो आपका हो जाएगा के पी अपॉन इसके बदले में एक्स स्क्वायर पर पावर थ्री बाय टू, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, यानी कि के पी अपॉन एक्स क्यूब, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा। ई वेक्टर आप लिखिएगा तो के पी वेक्टर अपॉन एक्स क्यू हो जाएगा,
लेकिन यहाँ पर आप देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन आपको पता है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, लेकिन इस बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वह ये है। सबको मिटा देते हैं। इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, आप देख रहे होंगे कि ये दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट है। ये हमारा डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हुआ, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसलिए जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे माइनस के पी वैक्टर अपॉन एक्स क्यू। माइनस ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट है, परपेंडिकुलर बायसेक्टर में। एक्सियल पोजिशन में आपने ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो पढ़ा वह पढ़ा 2kp वेक्टर अपॉन एक्स क्यू, लेकिन परपेंडिकुलर बायसेक्टर पे आपका हो गया माइनस के पी वेक्टर अपॉन एक्स क्यू। यानी कि आप कह सकते हैं मैग्नीट्यूड की बात कीजिएगा तो ई जो होगा एक्सियल जो होगा वह होगा 2 गुना ई इक्विटोरियल, या मतलब ई एक्सियल जो हो जाएगा वह इक्विटोरियल का ई परपेंडिकुलर, ठीक है, या इक्विटोरियल कह सकते हैं। ई एक्सियल जो होगा 2 गुना होगा किसके, परपेंडिकुलर का। परपेंडिकुलर में आपने देखा क्या आया, मैग्नीट्यूड की बात कीजिएगा तो 2 गुना होगा ई परपेंडिकुलर से ई एक्सियल, ठीक है, ये आप रिजल्ट भी याद रख सकते हैं। और दूसरी बात, आप एक और चीज़ देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से आप निकालते थे तो के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर आता है, लेकिन जब डायपोल मोमेंट की वजह डायपोल की वजह से निकालते हैं तो वो एक्स क्यू हो जाता है। यानी कि डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने इक्विटोरियल पोजिशन पर यानी कि परपेंडिकुलर बायसेक्टर पर निकालना सीखा और एक्सियल पोजिशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख लिया। इस दोनों का रिजल्ट आप लोगों ने सीख लिया। अब हम जनरल केस देखते हैं, किसी भी पोजीशन पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं इसको देखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पोजिशन इसको देखते हैं। हम क्या करते हैं, फिर से इलेक्ट्रिक डायपोल बना लेते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव का। ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, सॉरी ये पॉइंट, इसके बीच का सेपरेशन आपको 2a है, ठीक है। इस बार हम वो पॉइंट को पोलर फॉर्म में लेंगे। पोलर फॉर्म में किसको, यहाँ से हम क्या करेंगे, x डिस्टेंस की दूरी पर कोई पॉइंट p लेंगे। किस डिस्टेंस की दूरी पर, x डिस्टेंस की दूरी पर कोई पॉइंट क्या लेंगे, p लेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये पॉइंट जो P ले रहे हैं इससे आप लोग धोखा ना खा जाइएगा, वो P जो हम लिख रहे हैं KP वह डायपोल मोमेंट है। पिछले मैंने जो प्रूफ किया है उसमें भी हमने P जो लिया है वो डायपोल मोमेंट का P है, ये एक P पॉइंट, ठीक है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, आप लोग इससे धोखा ना खा जाइएगा। तो ये P पॉइंट है, यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पोलर फॉर्म में ये यहाँ से जो है थीटा एंगल पर है। अब आपको यहाँ पर कुछ बातें जानना होगा, x जो डिस्टेंस है या P और O के बीच का डिस्टेंस है, जो कि O क्या है, मिडिल पॉइंट है किसका, इलेक्ट्रिक डायपोल का। डिस्टेंस बिटवीन O टू P इज x है,
ठीक है, और ओ इज द मिडिल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। बात क्लियर है यहाँ से। अब थीटा जो है यह क्या है, थीटा जो है डायपोल मोमेंट से, या जो पी पॉइंट है डायपोल मोमेंट से थीटा एंगल पर है। अब जी अब देखिए, थीटा जो आप डिफाइन कीजिएगा, एंगल जो आप लीजिएगा इलेक्ट्रिक डायपोल में, वह आप इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज में लीजिएगा। आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है, तो हमको जो थीटा काउंट करना है वह काउंट करना है एंटी क्लॉकवाइज में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में, समझ में। अब यहाँ पर लिख देते हैं एक्स इज द डिस्टेंस बिटवीन ओ, ओ क्या है मिडिल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल टू कहाँ तक पी तक, ये बात हो गई। थीटा जो है एंगल ऑफ एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट थीटा जो है एंगल है ठीक है, थीटा एंगल है, इसको लेना है टेक इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इन एंटी क्लॉकवाइज। इस बात को समझ लीजिए। अब देखिए, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है, तो हमें थीटा एंटी क्लॉकवाइज में इधर लेना। अगर मान लिया जाए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये होता, तो हमारा सपोज कीजिए ये होता, तो हमारा थीटा चेंज हो जाता, तब हम थीटा क्या करते, एंटी क्लॉकवाइज में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में लेते, तब हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये होता, उसकी वजह से ये हमारा थीटा एंटी क्लॉकवाइज में जाता, ठीक है, सही बात है। तो थीटा पे यहाँ ध्यान देना है, थीटा ये क्या करना है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में लेना है, किस डायरेक्शन में लेना है, एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है। तो ये हमारा होगा, और इधर अगर मान लीजिए डायपोल मोमेंट चेंज होता है तो ये हमारा होता, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे, ये दोनों बातें आप समझ गए। अब यहाँ से अब इस पी पॉइंट को हम पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं, इस पी पॉइंट का पोलर फॉर्म हम लिख सकते हैं क्या होगा, पोलर फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, ये एक्स लिखते हैं और थीटा एंगल पर है, ये इसको पोलर फॉर्म में लिखना होगा। ये पॉइंट पी पॉइंट का हमने लोकेशन बताया कि जो ओ पॉइंट से थीटा एंगल पर है और एक्स डिस्टेंस पर है, इसको कहते हैं पोलर फॉर्म में लिखना, यानी कि हमने पी पॉइंट का जो लोकेशन बताया वह ओ से थीटा एंगल पर है, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल से थीटा एंगल पर है और एक्स डिस्टेंस पर है, ठीक है। इसको हमने, इस बात को समझ गए होंगे, इस तरह से लिखने को क्या कहते हैं, पोलर फॉर्म। कौन सा फॉर्म कहते हैं, पोलर फॉर्म, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, थीटा कैसे लेना ये भी समझ में आ गया।
अब हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डायपोल निकालना है, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करें, हमारे पास में क्या अवेलेबल है, हमारे पास में दो चीज़ें अवेलेबल है। हम तो अभी तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं वो एक्सियल पोजीशन पे निकाले हैं, इक्विटोरियल पोजीशन पे निकाले हैं, ये दो पोजीशन पे हमने निकाला है इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालने के लिए हमको ये लाइंस को मिलाना पड़ेगा और ये लाइंस को मिलाना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि ये लाइंस, ये डिस्टेंस कितना है ये पता नहीं है, ये डिस्टेंस कितना है ये पता नहीं है। अगर हमको ये डिस्टेंस पता होता तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते, ये डिस्टेंस भी पता होता तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम क्या सोचेंगे, हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल का जो ये पॉइंट है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पी है, इसका पी आपको पता है क्या होता है, क्यू इंटू टू ए होता है, ये भी आपको पता है। अब हम इस इलेक्ट्रिक डायपोल का दो कंपोनेंट तोड़ेंगे, किस डायरेक्शन में तोड़ेंगे, इस डायरेक्शन में, ओपी के डायरेक्शन में, मतलब जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसी डायरेक्शन में, उसी एक्सेस पर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का दो कंपोनेंट तोड़ देंगे। हमको इस, आपको पता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का ये डायरेक्शन है, इसका हम दो कंपोनेंट लेंगे, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब इस डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट होगा वह होगा जिधर थीटा होता, हमने पी का कंपोनेंट ले रहा, पी आपको पता होना चाहिए कि क्या है, पी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, क्यू इंटू टू ए होता है, ठीक है। इस यानी कि ये कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिक डायपोल है, इस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का कहिए, इलेक्ट्रिक डायपोल का कहिए, हम जो है इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ले रहे हैं। कंपोनेंट आपको पता होना चाहिए, कोई भी चीज़ का लेते हैं तो दो डायरेक्शन में होता है, एक जो होता है एक आप परपेंडिकुलर लेते हैं और एक उसके, यहाँ पर देखिए इसका जब जिधर थीटा है उधर इसका कंपोनेंट लीजिएगा तो क्या होगा, पी कॉस थीटा, और इधर की तरफ इसका कंपोनेंट जिधर थीटा नहीं है पी साइन थीटा हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का दो कंपोनेंट हमने तोड़ा, एक पी के डायरेक्शन में, पी के एक्सिस पर जो कि पी कॉस थीटा हुआ, और एक पी के एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कि पी साइन थीटा हुआ। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए अब देखिए हमारा काम आसान हो रहा है, अब देखिए इसका कंपोनेंट हमने तोड़ दिया तो अब देखिए ये पॉइंट जो है इस पी कॉस थीटा के एक्सियल पोजीशन पर आ गया, और ये पॉइंट जो है पी साइन थीटा के क्या हो गया, इक्विटोरियल पोजीशन पे। आप देखिएगा ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाइन हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये पी पॉइंट जो है पी साइन थीटा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में परपेंडिकुलर है, और पी कॉस थीटा के क्या है, एक्सियल है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखिएगा पी इज इक्वल टू क्यू इंटू टू ए, ठीक है, ये है हमारा ब्रेक्स इनटू टू कंपोनेंटल फॉर्म, कंपोनेंटल फॉर्म व्हिच इज पी कॉस थीटा
इज इन द एक्सिस ऑफ पी, ठीक है, एंड पी साइन थीटा इज इन द परपेंडिकुलर पी साइन थीटा विच इज पी कॉस थीटा इज इन द एक्सिस ऑफ पी एंड पी साइन थीटा इज द परपेंडिकुलर टू पी। अब देखिए ये पी जो है यह पी साइन थीटा के परपेंडिकुलर है और पी जो है पी कॉस थीटा के एक्सियल है, यानी कि कह सकते हैं इसके लिए एक्सियल पोजीशन हो गया, पी साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर पोजीशन हो गया। अब हमें पता है कि ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसकी वजह से एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अब हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू पी कॉस थीटा। पी कॉस थीटा के लिए कौन सा पोजीशन होगा, एक्सियल पोजीशन होगा, यानी कि हम क्या करेंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सियल पोजीशन पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा आपको पता है इस डायरेक्शन में होगा, इसको हम ले लेते हैं ई पैरेलल ले लेते हैं, सपोज कीजिए ई पैरेलल हो गया। अब देखिए पी कॉस थीटा के लिए क्या हो जाएगा, यहां से हम निकालेंगे ई पैरेलल इज इक्वल टू के। अब आपको पता है एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, टू के पी अपॉन एक्स क्यू होता है, एक्स क्या है उसके बीच का डिस्टेंस है, तो टू के पी के स्थान पे क्या है हमारा पी कॉस थीटा है अपॉन एक्स क्यू। ये हमें एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता चल गई। अब आपको पता है एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी आपको पता है ये होता है। अब दूसरी बात, अब इस पी साइन थीटा के लिए पॉइंट तो परपेंडिकुलर हो गया, आप लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू पी साइन थीटा, इसके लिए ये पी पॉइंट क्या हुआ इक्विटोरियल हो गया, और इक्विटोरियल पोजीशन पे आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अभी आपने डिफाइन किया है के पी अपॉन एक्स यू, तो यहां से हो जाएगा ई परपेंडिकुलर कह सकते हैं के पी अपॉन एक्स क्यू, लेकिन पी के स्थान पे हमारा क्या है पी साइन थीटा है। ये हमें दो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, वह होता है कुछ इस प्रकार से, ये हमको ई परपेंडिकुलर पता चल गया, ई पैरेलल पता चल गया, दोनों की वैल्यू भी हमें पता चल गया और ये भी पता चल गया। अब ये दोनों एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी कुछ इस प्रकार से होगा। अब ई नेट जो निकालिएगा वह परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे आप देख रहे हैं, तो परपेंडिकुलर है तो यानी कि इस दोनों का स्क्वायर करके रूट अंडर, आपको पता है दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उसका रिजल्टेंट निकालने के लिए करते हैं रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देते हैं, हमारा ये वेक्टर ये है एक वेक्टर ये है, इस दोनों वेक्टर को आप क्या कीजिएगा ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल ये दोनों का स्क्वायर करके रूट अंडर कर दीजिए, तो यानी कि क्या हो जाएगा टू के पी अपॉन कॉस थीटा बाय एक्स क्यू का होल स्क्वायर, ये हो गया प्लस, इधर हम मिटा देते हैं प्लस
टू के पी अपॉन साइन थीटा बाय एक्स क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका क्या करेंगे, रूट अंडर करेंगे। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, हमने क्या किया, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे निकालना था इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से, ठीक है। और वो पॉइंट जो था उसका पोलर फॉर्म था इलेक्ट्रिक डायपोल से एक्स डिस्टेंस की दूरी पर, उसके मिडिल पॉइंट से एक्स डिस्टेंस की दूरी पर और थीटा एंगल। तो हमने क्या किया, इस पी के डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक डायपोल का कंपोनेंट तोड़ दिया। तो कंपोनेंट जब आप तोड़िएगा तो जिधर थीटा है उधर पी का कंपोनेंट होगा पी कॉस थीटा इलेक्ट्रिक डायपोल का, और इधर की तरफ होगा पी साइन थीटा। अब इस ये पी जो पॉइंट है इस पी कॉस थीटा के लिए एक्सियल पोजीशन हो गया, एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको पता था जो निकाल लिया। अब ये पी साइन थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर पोजीशन हो गया। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा, P इक्वल टू क्यू इंटू टू ए ब्रेक्स इंटू टू कंपोनेंटल पार्ट विच इज P cos थीटा, ठीक है, इज इन द एक्सिस ऑफ P, इन द एक्सिस ऑफ P एंड P sin थीटा इज इन द परपेंडिकुलर टू P, इज इन द पी के परपेंडिकुलर में हो गया पी साइन थीटा, पी साइन थीटा इसके परपेंडिकुलर में हो गया परपेंडिकुलर टू पी। तो अब ये पी कॉस थीटा इस पी के एक्सियल पोजीशन पे है, तो हमने क्या टू के पी कॉस थीटा एक्स क्यू, आपको पता है एक्सियल के लिए क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू टू के पी अपॉन एक्स क्यू होता है, और इसके लिए के पी अपॉन एक्स क्यू पी के स्थान पे पी साइन थीटा। इस तरह से अब आपको पता है कि एक्सियल पोजिशन पर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होता है, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है इसके अपोजिट होता है, आपको पता है माइनस लगाए थे अब देखिएगा, तो इसके अपोजिट होगा तो इसके जस्ट अपोजिट ये होगा, इसका परपेंडिकुलर इसका परपेंडिकुलर। अब इस ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इसका जो होगा मैग्नीट्यूड कुछ ये होगा। अब ये आप निकालिएगा और परपेंडिकुलर है तो इसके बीच में आप क्या निकालिए, इसका आपको निकालने आता है कि दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर हैं तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, दोनों का स्क्वायर करके रूट अंडर कर देते हैं, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, कॉस 90 क्या है जीरो होता है, थीटा यहाँ 90 है तो वो जीरो वाला टर्म खत्म हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं है आपको कंपोनेंट फॉर्म में तोड़ना है, उसके बाद आपको ये आपका निकल जाएगा। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और इसको हम तोड़ते हैं। चलिए यहाँ देखिए हम क्या करते हैं, ई निकालना है नेट, तो हम क्या करेंगे टू के पी बाय एक्स क्यू, ठीक है, दोनों में है और उसका स्क्वायर है तो हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं और उसको बाहर भी कर देते हैं, ठीक है। 2kp अपॉन एक्स क्यू बाहर कर दिया, यहां पे हम थोड़ा मिस्टेक किए हैं शायद, यहाँ पे साइन थीटा का टर्म जो होगा वो टू वाला नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है के पी अपॉन एक्स क्यू होता है, तो यहाँ पे होगा के पी अपॉन एक्स क्यू, क्योंकि परपेंडिकुलर में के पी अपॉन एक्स क्यू होता है, ठीक है। एक्सियल में टू के पी होता है और परपेंडिकुलर में के पी, तो के पी साइन थीटा बाय एक्स क्यू हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपने क्या किया के पी अपॉन एक्स क्यू को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बच जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा बच जाएगा। आप क्या किए के पी अप बाय एक्स क्यू को बाहर किए, यहाँ पर बचा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप इसको कीजिएगा तो के पी अपॉन एक्स क्यू
फोर कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको लिखिएगा के पी बाय एक्स क्यू रूट अंडर वन प्लस थ्री कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ई का जो वैल्यू होगा के पी अपॉन रूट अंडर वन प्लस थ्री कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब इसका हम डायरेक्शन निकालना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं, ये अल्फा एंगल बना रहा है इसके साथ, तो इसको आप यहाँ पर इस परपेंडिकुलर को यहाँ लगा दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, टेन अल्फा आप निकाल लीजिएगा। टेन अल्फा जब आप निकालिएगा तो हो जाएगा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि ई परपेंडिकुलर अपॉन ई पैरेलल कह सकते हैं आप, यानी कि परपेंडिकुलर आपका कितना है के पी बाय एक्स क्यू, के पी साइन थीटा बाय एक्स क्यू। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा टू के पी कॉस थीटा, ई परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको पता है, इधर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला था ये परपेंडिकुलर निकला था के पी साइन थीटा बाय एक्स क्यू, और इधर की तरफ ही पैरेलल निकला था टू के पी कॉस थीटा बाय एक्स क्यू। ठीक है, यानी कि टू के पी कॉस थीटा बाय एक्स क्यू, एक्स क्यू से एक्स क्यू कैंसिल हो जाएगा, के पी से के पी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं टेन अल्फा इज इक्वल टू वन बाय टू टेन थीटा। तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू कह सकते हैं टेन इनवर्स वन बाय टू टेन थीटा, ये आपका डायरेक्शन होगा अल्फा का वैल्यू, ये डायरेक्शन बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स वन बाय टू टेन थीटा। अब जो है अल्फा ये एंगल होगा कहाँ से, इस पी पॉइंट से आप कह सकते हैं ई पैरेलल से अल्फा एंगल होगा, और इससे निकालेगा तो आप बीटा एंगल भी निकाल सकते हैं 90 करके, इस परपेंडिकुलर से भी निकाल सकते हैं। अब आप कहिएगा इस डायपोल मोमेंट से कितना एंगल पे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा थीटा एंगल ये हो जाएगा और अल्फा ये हो जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिख सकते हैं यहाँ पे नीचे, चलिए तो डायरेक्शन जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कि आपने अल्फा निकाला, अल्फा इक्वल टू होगा टेन इनवर्स वन बाय टू टेन थीटा। ठीक है, ये चीज है। और दूसरी बात अब है डायरेक्शन जो है ये फ्रॉम कहाँ से है, ई पैरेलल से आप देख रहे हैं। अब डायरेक्शन ऑफ ई आप कह सकते हैं फ्रॉम डायपोल से आप कहिएगा तो क्या हो जाएगा, डायपोल से ये थीटा एंगल ऊपर, उसके बाद थीटा से अल्फा एंगल ऊपर, तो आप कह सकते हैं थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, ये डायरेक्शन की वैल्यू हो जाएगी। इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल आपने निकालना सीखा। तो आप आज के क्लास में आपने इतना चीज़ सीखा। अब हम इसको समरी के रूप में लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डायपोल में हम लोगों ने आज क्या क्या सीखा। सबसे पहले एक जनरल फॉर्म लेते हैं, उसकी वजह से हमने किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा। उसके लिए जो हमने फार्मूला सीखा वह सीखा
के पी अपॉन एक्स क्यू रूट अंडर वन प्लस थ्री कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमने सीखा, ठीक है। ये एट एनी पॉइंट पे है, किसी भी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। अब अगर आप थीटा को जीरो कर देते हैं, थीटा जीरो डिग्री हो जाता है तो क्या होगा? थीटा जीरो डिग्री होने का मतलब हो गया एक्सियल पोजीशन पे, एक्सियल पोजीशन दैट मीन्स ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू है, और यहाँ पर आपने कोई पॉइंट पी रखा, वहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो थीटा जीरो किए क्या हो जाएगा? के पी अपॉन एक्स क्यू रूट अंडर वन प्लस थ्री कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस जीरो कितना होगा? वन होगा, तो कॉस स्क्वायर जीरो डिग्री तो वन होगा, थ्री इंटू वन क्या हो जाएगा? थ्री, वन प्लस थ्री, यानी कि के पी बाय एक्स क्यू इंटू वन प्लस थ्री कितना हो जाएगा? फोर, फोर का रूट कितना हो जाएगा? टू हो जाएगा, यानी कि टू के पी बाय एक्स क्यू। शायद यही आपने इक्वेटोरियल एक्सियल पोजिशन पर पढ़ा है, ठीक है। अब थीटा जब 90 कर दीजिएगा, थीटा 90 करने का मतलब क्या हो गया? थीटा 90 करने का मतलब हो गया इक्वेटोरियल पोजीशन पे, वहाँ पर 90 की वैल्यू रख दीजिए, यानी कि के पी अपॉन एक्स क्यू रूट अंडर वन प्लस थ्री कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। कॉस 90 जीरो होता है तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, वन प्लस जीरो वन हो जाएगा, यानी कि के पी अपॉन एक्स क्यू। आपने इक्वेटोरियल पोजीशन पर यही वैल्यू पढ़ा है, ठीक है। एक्सियल पोजीशन पर ये पढ़ा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे एट एनी पॉइंट के इस एक्सप्रेशन से आप दोनों वैल्यू को निकाल सकते हैं। ये आपने देखा, ठीक है, मिटाना है इसको। तो ये चीज़ें आप लोगों ने देखा, उसके डायरेक्शन को भी देखा। अब हम आज की क्लास में इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है वह क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है दो चार्जेज का, दो अपोजिट चार्जेज का, ठीक है, और उसके बीच का सेपरेशन काफ़ी कम होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होते हैं? प्रोडक्ट होता है एनी चार्जेज का, कोई चार्जेज आप ले लीजिए और उसके बीच का सेपरेशन जो है उसका, यानी कि P इक्वल टू क्यू इंटू टू ए, आपने देखा। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन क्या होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। और दूसरी बात, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होता है वह नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। और दूसरी बात कि यह वेक्टर क्वांटिटी और इसका यूनिट क्या होता है? कूलम मीटर होता है। यहाँ तक आपने जाना। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने डायपोल की वजह से निकालना सीखा, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन पे आपने निकालना सीखा, उसका वैल्यू आपने सीखा E इक्वल टू के पी, टू के पी बाय एक्स क्यू सीखा। पी क्या है? आपको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है। इसका डायरेक्शन जो होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है, जो होता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है एक्सियल पोजिशन में, ठीक है, ये आपने सीखा। दूसरी बात, परपेंडिकुलर बायसेक्टर पे कह सकते हैं या फिर इक्वेटोरियल पोजिशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होता है के पी बाय एक्स क्यू, और इसका डायरेक्शन जो होता है अपोजिट होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन से, इसलिए वहाँ पर माइनस लगा हुआ है। अब आपने किसी भी पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा डायपोल की वजह से, के पी बाय एक्स क्यू रूट अंडर वन प्लस थ्री कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इससे आपने, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हुई, और आपने डायरेक्शन निकालना सीखा अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स वन बाय टू टेन थीटा। आप निकाल सकते हैं इसकी वजह से एंगल, कितने एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहाँ से? ई पैरेलल से। आपने देखा होगा एक्सियल पोजीशन, ई पैरेलल से आप अल्फा एंगल निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर से निकालना होगा तो इसको, उसको भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपने किसी भी पॉइंट पे क्या देखा? के पी बाय एक्स क्यू रूट अंडर वन प्लस थ्री कॉस स्क्वायर थीटा। आज के क्लास में आपने इतना जाना, इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, प्रूफ अपने से करने की प्रैक्टिस कीजिएगा। इसको हम एक और मेथड से प्रूफ करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में,
अगले वीडियो लेक्चर में जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे तब हम इसको कैलकुलस मेथड से प्रूफ करना सीखेंगे। कैलकुलस मेथड से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकालेंगे। जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लेंगे और तब हम लोग जो है कैलकुलस मेथड से इस सारे चीज़ को हम निकालेंगे जो कि बोर्ड में ज़्यादा पूछा जाता है। आप इसके डेरिवेशन को यहाँ से समझ लीजिए। एक बार और हम इसे कैलकुलस मेथड से प्रूफ करने की कोशिश करेंगे जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लेंगे। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।